मैंने वैसे मरकस में से निकाला था नहीं, वो दूसरा है, वो भी निकालिएगा, दोनों निकालिएगा, मगर क्या गॉस्पल ऑफ क्या मैथ्यू में से ये बात स्टार्ट मैं होगी। निकालता हूँ गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर फिफ्टीन, गॉस्पल जी गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 है, और वर्स नंबर 25 से ऑनवर्स 28, उससे पहले भी बात चल रही है, मगर यहां से वो मेन कॉन्टेक्स्ट है टू द पॉइंट जो हम रख रहे हैं। अब क्या है, मैं बोल देता हूं, जब स्क्रीन पे आएगा 25 में वो आकर सजदा करती है और कहती है खुदावन मेरी मदद कर। उसके बच्चे का भी कोई मामला था, उसका अपना भी कोई मामला। 26 में है, उसने जवाब में कहा, यानी यीशु मसीह ने, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, ये यीशु मसीह मैंने ने कहा। शेयर किया, ट्वेंटी मुझे शर्म सेवन आप में कर दें जरा दिखा दें। अच्छा हाँ ठीक है, ये हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ जूम कर दें, कंट्रोल प्लस से कीजिए, हो जाएगा। मैं भी ठीक हो गया? नहीं 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 हुआ, नहीं नहीं जूम नहीं हुआ। और जी और थोड़ा करें। हाँ जी, अब नीचे आ जाएं 25 पे। ये जी 25 पे आ जाएं। हाँ ये देखें जी, द वुमेन केम एंड नल्ट बिफोर हिम, वही जो झुका, लॉर्ड हेल्प मी शी सेड, ही रिप्लाइड इट इज नॉट राइट टू टेक चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टॉस इट टू द डॉग्स, इसको कुत्तों के आगे फेंक दें। यस इट इज लॉर्ड शी सेड, 27 है, इवन द डॉग्स ईट द क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम द मास्टर्स टेबल। देन जीसस सेड टू हर, वुमेन यू हैव ग्रेट फेथ, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, एंड हर डॉटर वॉज हील्ड एट दैट मोमेंट। उसकी बच्ची को वो मिल सही। गया। अच्छा जी, जी एक मिनट, इसमें इसमें जो इसमें सिर्फ मैं एक चीज हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं, वो ये कि जीसस ने पहले बोला है डॉग का लफ्ज, ना कि उस औरत ने, औरत ने उसको एक्सेप्ट किया है। जी बिल्कुल जी ठीक है जी। अच्छा अब यही बाप जो है ना, ये बात चली जाती है गॉस्पल ऑफ मार्क, मार्क चैप्टर 7, वो भी ओपन कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल आमर भाई, मैंने वो शेयर किया है जी आपने कर और दिया, यहाँ पर बिल्कुल मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन, कीजिएगा मैं देखिएगा चले फॉर मैं यूज जी अली भाई की कर दें आप। गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 7, सेवन। और ये आयतें दो बन जाएगी 28 29, ये पूरा वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। जरा नहीं आगे नहीं चलिएगा, अगर आमर ये भाई चैप्टर 25 से, आमर भाई 25 से लें इसको, 25 से लें 25 से ठीक कॉन्टेक्स्ट है, में। जरा जी जी 25 ले लें। आ जाए आगे, ये देखिए एक जी, ये औरत का 24 ईमान। से पढ़ जी के लेते हैं, जी 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 ये नजर आ रहा है जी। फिर वहां से हाँ उठकर सूर और सैयदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, यानी यीशु मसीह, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी इस खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। आगे अमेजन करें अमर भाई, इस पे जी, थोड़ी सी रोशनी डालें कि उसकी हालत क्या है, वो औरत बेचारी किस तरह के कदमों में गिरे, किस मजबूर मजबूर। हद। और मैं आपको मदे की बात बताऊं, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बात जगह पर लिखा है ये मदियन की थी, बात जगह पर लिखा है दूसरी, एक कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे बाइबल का कॉन्ट्रडिक्शन, अभी तो ये बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं कि ओके किस तरीके से उनको कुत्ता कहा गया जेंटाइल्स को। आगे, बिल्कुल ये औरत, ये देखें यहां लिखा है यूनानी, एक जगह पर यूनानी और अच्छा उसके कदमों में गिरी, ये औरत यूनानी थी और कौम की सुजमने की थी, उसने उससे दरखास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं है। मिसाल चेक करें, आगे आए जरा देखिएगा, उसने जवाब में कहा हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से ही तो खाते हैं। उसने उससे कहा इस कलाम की खातिर जा, ये मैंने उस वीडियो में बयान किया है हजरत, तवज्जो कीजिएगा, उसने उससे कहा इस कलाम की खातिर कि तूने माना है कि तू कुत्ती है और तू हाँ कुत्ते बिल्कुल हो जेंटाइल, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। ये है जी जी भाई सारा क्रिश्चियन मामला, साहब। तो बहुत शुक्रिया। अब आप बताएं कि ये दो हवाले आपके सामने आ गए हैं और दोनों में खुद यीशु मसीही कह रहे हैं आपके, अब बताएं कि क्या कहेंगे इसके बारे में। जो मैंने आपको जो उन्होंने दो दफा पढ़ लिया तो मैंने आपको उसका पहले ही जवाब दे दिया, तो अभी नहीं आप क्या आपने आपका वो जवाब गलत है, ये तो लिपापोती कहते हैं कैसे इसको नहीं भाई। कैसे आप बताएं। मैंने मैंने शुरू में ही कहा कि क्या यीशु ने उस औरत को ये नहीं कहा, उसके लिए लफ्ज कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया कि नहीं किया। मैंने आपसे ये मुफ्ती साहब अर्ज ये किया, देखें पहली भी बात हुई, अभी आप जो पहले वाले कॉलर से बात कर रहे थे 6 दिन में, आप उसको कितना डिफाइन उसको कर रहे थे,
हर एक चीज का छोड़ दे। हजरत मैं हजरत मुझे अगर इजाजत दें तो सुने ना आमिर भाई, थोड़ा सा अपने ब्रेक पे पांव रखें, ब्रेक पे पांव रखें। हजरत अगर मुझे इजाजत हो तो मैं 2+2=4 की तरह इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जी ब्रेक पे पांव रखें। अच्छा कृष्ण भाई, कृष्ण भाई मसला हल करना है ना, कृष्ण भाई असल में मसला हल करना है ना। कृष्ण भाई अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे पास दो सूरतें हैं जो आयतों से निकली हैं, आपने मुझे बताना है कि कौन सी बात ठीक है कौन सी गलत है। क्या उस औरत को कुत्ता फीमेल होने की वजह से कहा गया था या जेंटाइल होने की वजह से, यानी मिसाल जो कुत्तों की दी थी उसकी कौमियत की वजह से दी थी या उसकी जिंस की वजह से? इसकी आपका सवाल ही गलत। उन्होंने सिर्फ ये टीचिंग करने के लिए अपने शागिर्दों को, क्योंकि आपको मैं नहीं कह रहा टीचिंग, मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो कहा। देखे मेरी बात सुने, दो चीजों में फर्क समझे, दो चीजों में फर्क समझे। मैं ये नहीं, देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, आपकी बात ही कर रहा हूँ, आपकी बात ही करने लगा हूँ। इस वक्त ये बहस नहीं हो रही कृष्ण, आप अगर बात जानना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बात सुने। देखिए दो चीजों में फर्क समझना, एक ये है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, मैं अभी ये डिस्कस नहीं हो रहा, आप पता किस चीज का जवाब दे रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो कहा वो क्या, ये बात पूछ रहा हूं, फर्क समझ आ गया। अब मुझे बताएं दो चीजें, या तो वो औरत थी जिस वजह से उसको कहा कि लड़कों को रोटी डाल दूं, तू लड़की है इसलिए कुत्तों की मान जाए, नंबर एक। नहीं वही तो, इसीलिए तो मैं यीशु की कुत्ती कहता हूँ। देखो मैंने ठीक किया बाइबल को, मैं तो कुत्ती कहता हूँ, तो फिर आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप अपने आप नहीं कर रहे हैं ना। दूसरी बात यह है कि या गैर कौम की वजह से कहा, हाँ इसका मुझे जवाब दे दें, आप बहुत लंबा खींच रहे हैं, बस इतनी सी बात होनी थी। मैं आपको यही आपसे, आप जो सवाल कर रहे हैं वो नहीं है ना, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात सुने मेरी, बात सुन लेना, जी बड़ी पोलाइट होके ना बात मेरी सुने। ऐसी ही मिसाल ये, क्योंकि ये जो शागिर्दों की जो तालीम थी ये यहाँ पे भी नहीं रुकी। अमाल की किताब में पतरस को जब रोया आई, जब आसमान से मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह की, आप बात कर रहे हैं पतरस की। हजरत देखेंगे ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना, ये तो बात पे आ ही नहीं रहा। ये गुज़िश्ता से पैवस्ता है। अच्छा कृष्ण भाई मैं एक मिनट, हमारा ये पूरा डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपने आमिर भाई पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ब्लास्फेमी की, ठीक है। मुझे अब ये दोनों इबारतें इंग्लिश में और इसी तरीके से उर्दू में दोनों बाइबल से निकली हैं, सामने आ गई हैं कि जिसमें यीशु खुद कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे वो आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तालीम देने के लिए किसी भी हिकमत मकसद से कर रहे हो, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए इसमें इसमें ब्लास्फेमी का एंगल कैसा आया? नहीं ब्लास्फेमी का पहली बात तो ये कि ये जो उन्होंने कुत्ती बोला, ये अगर आप लफ्जों पे जा रहे हैं मुफ्ती साहब, तो कुत्ती तो नहीं लिखा हुआ, एक बात तो ये ठीक है। अगर आप लफ्जों पे जा रहे हैं, आपसे ये कह रहा हूँ भाई, तो लफ्जों पे तो जाएंगे, बगैर लफ्जों के तो माना आप समझ ही नहीं सकते, लफ्जों के बगैर माना कैसे समझेंगे। लफ्जों का इन्होंने खुद ही कहा कि लफ्ज वहाँ कुछ नहीं लिखा, खुद ही कहा, इशारों किनारे में तो बात नहीं हो रही, कुत्ता लिखा है ना, तो कुत्ता बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यीशु का कुत्ता आप बोले। मैं आपसे ये, अब आप इसको कैसे बोलेंगे बताएं, मैं आपको जो आपको अगर आपको हम पर एतराज है कि हम नहीं बोल सकते, तो ये एतराज आपने यीशु पे क्यों नहीं किया? नहीं, मैं आपको यही दे रहा हूँ ना, मैं आपको मेरी सुन तो लेना, आप सुनते नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मिसाल, जैसे आप मिसाल देके समझाते हैं, एक आप टीवी लेके आए, उसको आपको नहीं चलाना आ रहा है, उसका आप रिमोट, उसका मैनुअल आप पढ़ेंगे, आप किसी से पूछेंगे, जब आप उसको, जब अगर वो नहीं काम कर रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर आप अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आएंगे। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, और ये मेरी नहीं है, ये सारे मसीह लोग इसको ऐसे ही इंटरप्रिटेट कर, मैं अगर कोई कुरान की आयत लेके आ जाऊँ, जैसे ये आप कुरान की वही बात हम आपकी इंटरप्रिटेशन के साथ चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया आपकी इंटरप्रिटेशन ही सही है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि चूंकि जीसस ने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया एक शख्स के लिए, चाहे बहुत अच्छी इंटेंशन से उसकी ओबीडियंस बताने के लिए किया हो, अब अगर एक आदमी भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ब्लास्फेमी कैसे हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि उन्होंने बनी इसराइल को ये कहा। बात ये है, अगर ठीक है खुदा, मैं आपको वो ठीक है, मगर जब खुदावनी यीशु मसीह पे सब ईमान लेके आ गए, तो फिर वो गैर करना, वो इसराइली रहे, बाइबल में लिखा हुआ है, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई जूश रहा, ना कोई और रहा, फिर तो इनकी ये बात ही गलत हो गई मुफ्ती साहब। जो ईमान नहीं लाए वो अभी भी कुत्ते ही रहे चीजों के लिए, जिसका मतलब ये है कि जो ईमान नहीं लाए वो अभी भी कुत्ते ही रहे ना। नहीं कहा ये कहा लिखा हुआ है, अभी तो आप कह रहे हैं खुद ही कि जब सब ईमान ले आए तो कुत्ते नहीं रहे, इसका मतलब जो नहीं आए वो कुत्ते रहे। नहीं तो ये लिखा हुआ है,
कि ये जो ईमान नहीं लेके आ रहे हैं आप ही तो कह रहे हो, तो कह रहे हो। अगर ये बेचारे को नहीं पता, ठीक है, इसको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, बस ऐसे नाम कृष्ण रख दिया और छोड़ डाल चला। बस ठीक है, खैर है, आप अपना ना आप ऐसे करें मेरा भाई, आपके बस की बात है, आप हम पे आपसे ऊपर कृष्ण भाई आपसे ऊपर की गेम है, आप हमसे बात ना कर। आप अपना एतराज कोई है, मुफ्ती साहब ने ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन किया वो रख लें, आप हमें छोड़े, हम क्या कर रहे हैं, आपको कृष्ण भाई आए थे इसी काम के लिए, आपको देखकर वो आपके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, आपने उसको डिफेंड किया, हमारी तरफ से ये दो इबारतें बाइबल की आपको दे दी गई हैं, मैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन को मान रहा हूँ, बात ठीक है आपकी इंटरप्रिटेशन। एक रेफरेंस मैं मुफ्ती साहब और देना चाहूंगा, एक रेफरेंस ये लेते जाएं कि इनकी तालीमात क्या हैं, जितना ये गुस्सा हो गए हैं, इनकी तालीमात इसके मुताबिक ये अमल नहीं कर रहे, ये क्रिश्चियन है ही नहीं है, ये प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा जी। मेरे गुस्सा होने का कोई वो नहीं है, जैसे आप जवाब मिल जाते तो फिर जैसे क्रिश्चियनी बिल्ली हो जाए। सर मैं ये रेफरेंस दे दूंगा, ये रेफरेंस तो ले लेना ताकि मैं सिखा दूं आपको कि क्रिश्चियनिटी आपको ऐसे मौकों पर क्या करने के लिए कहती है, आपको नहीं पता चल रहा। आप ज्यादा गुस्सा अली रजा खुर्रम साहब आपका ही मसला है। सर मैंने क्रिश्चियन भाई एक मिनट, आप यहां आए सुन लेना, आप सुन लीजिए ताकि हम अगले कॉलर को लें। अली रजा भाई आप जल्दी से अपना एक वो दे दीजिए, ये स्क्रीन शेयर करनी है, बिल्कुल स्क्रीन शेयर करनी है जी। प्यारे भाई ये मती की अंजील है, चैप्टर नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो, ये मसीह अलैहिस्सलाम की आपको पता है खास से खास तालीमात हैं जिसको आप हमेशा पेश करते हैं, लेकिन ये आपके गले पड़ जाती हैं, लेकिन इस पे अमल कीजिए प्लीज। इसकी वर्स नंबर 38 से मैं पढ़ रहा हूँ, दो तीन वर्सेज में इकट्ठी पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 5 है, मैथ्यू गॉस्पल ऑफ मैथ्यू है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, ये शरीयत तो कैंसिल कर दी यसूल अलैहिस्सलाम ने, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। बात यहां पर खत्म नहीं हुई, और अगर कोई तुझ पर नालिश करे, इधर चला गया, अगर कोई तुझ पर नालिश करे हाँ करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ दो कोस चला जा, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कुछ तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना फेरना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आपने तो कुछ करना ही नहीं, आपका दुश्मन कुछ भी करे, अगर घर में एक दफा चोर आया तो आपने कहना दूसरी दफा फिर आ, आपने अगर उसने आपकी कमीज ली है तो आपने उसे कहना मेरी सलवार भी लेके जाए, तो यार आप बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहे हैं इस तालीम। क्या क्या मतलब कैसे बताएं, आपकी भी ये वाली भी जो है चीज की मैं आपको जवाब दे देता हूँ, कैसे बताएं। चलें अब चलें ठीक है, अब एक मिनट लीजिए कृष्ण साहब, ये जवाब आप खुर्रम भाई को, अली रजा खुर्रम साहब को उनके चैनल पर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अगले कॉलर को भी लेना है और हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट है, मुझे स्ट्रीम खत्म करनी है आज जल्दी। तो आज के लिए इतनी ही इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, बाकी फिर अगले हफ्ते तशरीफ लाइएगा, ठीक है जी। ठीक है, चलें शुक्रिया। अच्छा ये मैं इससे पहले आप लें, सिर्फ एक जुमला बोल देता हूँ, मैं भी कमेंट्रीज चेक कर रहा था, 5 के करीब जो कमेंट्रीज हैं जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं वो इसका एग्जेजेसिस ये करते हैं कि जो आइडल्ट्रियस जेंटाइल्स से उनको मुखातिब किया जा रहा है। तो मुझे बता दें आज सारे के सारे ट्रिनिटेरियंस जो हैं उनके मुताबिक ये सारे के सारे कुत्ते माने जाएंगे, यानी ये कह रहे हैं कि वो चूंकि मुशरिका थी इसलिए उनको कहा गया, ये कवर कर रहे हैं, तो ये खुद सारे मुशरिक हैं कैथोलिक। बहुत शुक्रिया जी भाई। ये यास्मीन खान दोबारा आई है और सबसे पहले मुफ्ती साहब जी इनकी डीबी चेंज करो, ये डीबी चेंज करें। मैं यास्मीन खान नाम से नहीं आई तो मुझे जो है वो अंधविश्वास के मुहर से ही जाना जाए, क्योंकि लोग जिस वीडियो में आते हैं कहेंगे और ये सवाल भी कहेंगे कि यास्मीन खान नाम क्यों रखा, चूंकि आप मुसलमान नहीं थी कभी। देखिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ, नहीं तो आप इस तरह धोखा दे रही है ना, आप मुसलमानों के नाम रखकर धोखा दे रही है ना, आपके आप जाकर ये कहती आपके सामने आप जाकर ये कहेंगी कहेंगी कि मैं मुसलमान थी और मैं मुसलमान थी और मैंने जो इस्लाम छोड़ दिया, तो एक बात। दूसरी बात ये कि तारिक मसूद साहब का फोटो हटाए फिर बात होगी आपसे, आप क्यों मुफ्ती तारिक मसूद साहब का फोटो हटाइए और उसके बाद बात करेंगे, मतलब आपने मुस्लिम स्कॉलर का फोटो क्यों लगा रखा है, आपका कॉपीराइट है क्या, खाने के लाले पड़ गए अभी आ रहा हूँ भाई, आपको हमसे बात करनी है ना, आपको हमसे बात करनी है ना, तो आगे उनसे बात करनी होगी, वरना आपके पास चैनल है जो आपको बकवास करनी है अपने चैनल में, नहीं आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे पहले आपको सही करेंगे, नहीं दे सकते
पहले सही दे सकते हैं लेकिन पहले सही करेंगे, पहले आपको इंसान बनाएंगे, चूंकि हम इंसानों के सवाल का जवाब देते हैं, जानवरों का नहीं देते, ठीक है, जानवरों के सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं हम इंसानों के सवाल का जवाब देने के लिए बैठे। इस्लाम की सच्चाई जब तक के डीपी चेंज नहीं होगी और ये नहीं बताएंगी कि धोखा क्यों दे रही है अभी तक के, तो जवाब नहीं दिया जाएगा। मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, वो ये कि इन्होंने अपने ऑडियंस को इतना ज्यादा गुमराह किया और इतना ज्यादा उनसे चैट्स लिए, सुपर चैट्स लिए, ये स्टोरियां बना के, किसी ने मुझे मेरे बाप ने निकाल दिया, किसी ने मुझे मेरे भाई ने निकाल दिया, आपके पैसे खा के वहां पे ऐश कर रही है, और फेंको पैसे, अब बन गई बुद्धिस्ट जी, अब ये कह रही है कि मैं कभी मुसलमान थी नहीं, तो सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के क्यों सुना रही थी, ये तो अपने चैनल पे सूरह फातिहा डालती थी, देखो सबूत दे रही हूँ मैं मुसलमान थी सूरह फातिहा पढ़ के, इसकी वजह यही थी कि इसको सुपर चैट चाहिए थी, ये बताना था धोखा देकर कि भाई मैं तो मुसलमान पैदा हुई थी, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हिंदू खुश। ये समझ नहीं आता कि ये जो हमारे भाई इनको ये सुपर चैट देते हैं, इनके ये हराम के पैसे हैं जो फिर इनको देते हैं, उसके बाद ये ऐसे निकल के आते हैं, मतलब अपनी रियलिटी के साथ आइए, आप हकीकत को अपनी जो है वो वाज़े कीजिए, इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, लास्ट चांस दे रहे हैं, इंसान बनिए और उसके बाद हमसे बात कीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ इंसानों से बात, बताइए मैं जो सवाल पूछने वाली हूँ उसका जवाब दूंगी, जब आएगा जब तक डीपी चेंज नहीं होगी, और ये नहीं बताएंगी आपने यास्मीन खान नाम, ये आपकी खुदा की डीपी है क्या, ये अल्लाह की डीपी है, एक मुसलमान है और एक मुसलमान की डीपी आपको नहीं लगाने देंगे, एक मुसलमान है उसकी डीपी आपको नहीं लगाने देंगे, लगता है मुफ्ती साहब आपके पास होता है शायद वो ये आप चेंज कर सकें डीपी की, नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो, ठीक है चले खैर, इसकी इसकी औकात इतनी है भाई, इसको निकालें जी, सही है। एक चीज मैं यहाँ जी एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमान देखें कि ये डीपीस देखें कैसे लगाती हैं, सामने कैसे आ रही हैं, नाम पीछे यास्मीन खान रखा है, इसीलिए ये मुसलमान मर्द और औरतें चुकन्ने रहें, डीपी से नामों पर न जाएं, न तस्वीरों पर जाएं, न नामों पर जाएं, ठीक है ना, बी केयरफुल, ये सोशल मीडिया है, इस पर अपने आप को चुकन्ना रखें, ये आपके सामने डेमोज हैं जो आपको दिए जाते हैं होश वालों के लिए। आमिर भाई आप तो शक्ल पे भी नहीं जा सकते, आप तो एआई भी आ गया है आप तो, जी जी बिल्कुल, हाँ ये बात भी है बिल्कुल, ये जी भाई मदन मेहता सर नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई, ठीक है सर, सर दो तीन प्रश्न है मेरे से, मैं जानना चाह रहा हूँ जी, एक पूछ रहे हैं आज एक ही, हाँ एक जी, आपके विचार, आपके विचार में खुदा कौन है, खुदा खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो मुझे इस, जो इस कायनात को चला रहा है, जो हमें रिस्क दे रहा है, जो हमें मारेगा, जो हमें जिंदा करता है, वो खुदा है। ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, अगर आप इसके खिलाफ कुछ समझते हैं तो मुझे वो बता दीजिए, वो आपको कहां से प्राप्त हुआ, मैंने पहचाना है ईश्वर को, आपने पहचाना है, ठीक है, क्या कैसे पहचाना और वो कौन है, जो आप बता रहे हो वो खुदा नहीं है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बताइए, जो आपने पहचाना वो बता दीजिए, जो ईश्वर है यानी जो परमात्मा है यानी जो खुदा है, गॉड है, वो कायनात को नहीं बनाता, अच्छा ठीक है, फिर क्या करता है, वो करता कुछ नहीं है, कर्तापन में नहीं है, जो कुछ भी इस संसार में इस, ना कुछ करता ना उसने कुछ किया, ईश्वर फिर भी है, तो आपने पहचाना कैसे भाई, पहचाना है ना, बताऊंगा ना आपको, मैं बताऊंगा, मैं पहचाना तो बताऊंगा, हाँ बैठा हूं मैं, बताइए, क्योंकि वो करता तो कुछ नहीं, ना उसने बनाया ना उसने कभी कुछ किया, अब बताइए कैसे पहचाना, संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ है, पोथी पाने हैं, किताबें हैं, ये सब मानव की रचना है, मानव ने ये सब घड़े हैं, जितने भी पंथ है, भाई एक मिनट, ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, ईश्वर को कैसे पहचाना मुझे उसकी बात बताओ ना यार, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा, क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर ने कायनात को बनाया, अभी आपने कहा, भाई सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात नहीं हो रही है, बात की बात हो रही है, क्योंकि आपने पहचान लिया और ईश्वर के कुछ बगैर पहचान लिया, तो मुझे वो बताओ कैसे पहचाना, और किताबें सारी गलत हैं, खुद ही कह रही है सारी मानव की इंसान की बनाई हुई है, अब पहचाना कैसे ये बताओ, कि इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हम कौन है, हु आई एम, भाई आपको तो बनाया नहीं ना ईश्वर ने, आपका ईश्वर से क्या लेना देना, नहीं
आप मेरी बात समझेंगे ना तब तो समझ रहा हूँ। आपको तो ईश्वर ने बनाया नहीं, फिर ईश्वर को जानने के लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि मैं कौन हूँ? ईश्वर को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि संसार में जो भी कुछ है वो मैटर है, पदार्थ है, तत्व है, ठीक है आगे। और यदि कोई भी सत्ता या कोई भी जो इस संसार को बना रहा है, इसका क्रिएशन कर रहा है, वो फिर कर्म के अधीन हो गया, वो कर्म कर रहा है। और यदि कोई कर्म कर रहा है तो वो जीव है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आपने परमात्मा को ये तो मान लिया कि वो परमात्मा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई परमात्मा है आपके नजदीक चुका, आपने उसको पहचाना है, तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे है? मैं तो उसको भी जानना चाह रहा हूं। परमात्मा वो है जो तत्व अतत्व से परे है, शब्द अशब्द से परे है, कर्म अकर्म विकर्म से परे है। ये सारे दावे हैं, मैं पूछ रहा हूं पहचाना कैसे, ये बताओ। ये सारे दावे हैं, इससे परे है, इससे उधर है, उससे वहां है, इधर है उधर है, सब दावे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे है? मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपने दावा किया कि आप पहचान चुके हैं, और ये भी दावा किया कि वो क्रिएटर नहीं है। इसलिए दावा किया नहीं, मैंने पहचाना है तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को बहुत दावा है। कैसे पहचाना यार, हद है, इतनी देर से पूछा हुआ एक ही सवाल, वो जवाब नहीं दे रहे हो। कैसे जैसे आप सारी किताबें पहचाना, सारी किताबें जो है वो इंसान की लिखी हुई है, तो उससे वो तो रही, वो तो सब रिजेक्ट हो गई। हाँ, सारी किताबें इंसान, वेद की और आपको ईश्वर ने बनाया नहीं, मैटर को भी नहीं बनाया, तो हमारा ईश्वर से कोई, आपका ईश्वर से कोई ताल्लुक रहा नहीं, तो अब मुझे बताओ पहचाना कैसे? ईश्वर किसी को नहीं बनाता, यदि कोई बनाएगा भाई थोड़ी देर के लिए मान लिया नहीं बनाता, अब पहचाना कैसे? पहचाना इस प्रकार कि जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आभास में आ रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब पदार्थ है, और वो पदार्थ से परे। और भाई आपने हमारी मालूमात में कोई इजाफा नहीं किया, हम भी मानते हैं वो सब मैटर है, मुझे बताओ ईश्वर को कैसे पहचाना? बता तो दिया ना, जो नीत तत्व है वही परमात्मा है। ये भी एक दावा है कि भाई वो फला है ना, वो परमात्मा है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल, देखो ये आपने दावा किया, मैं आपसे कहूं कि भाई इसको साबित करो, कैसे आपने पहचान लिया, अब आप कैसे क्या कैसे साबित करोगे कि वही परमात्मा है? जी जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्रश्न, ये प्रश्न बहुत पहले से बहुत अच्छा ही रहा है, ये अभी अच्छा नहीं हुआ, ये शुरू से ही अच्छा चल रहा है। ये मेरे साथ जुल्म ना करें, पहले मोमेंट से मैं अच्छा ही प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, उत्तर अच्छा नहीं आ रहा। जो ऐसा ही जिज्ञासु होता है, जो ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो हम उन्हीं का प्रश्न का जवाब देते हैं, जैसे आपने पूछा। तो मैंने तो ये प्रश्न बहुत पहले से पूछा हुआ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, साबित कैसे करोगे? आपने ये प्रश्न पूछा जी, आपने ये प्रश्न पूछा कि साबित कैसे करोगे, तो आप ये बताओ साबित किस चीज को किया जाता है? चलो चले चले, बस बस कर दीजिए भाई। भाई अगर ये प्रश्न इतना अच्छा, इतना प्यारा प्रश्न था कि उसका उत्तर भी प्रश्न निकला, वाह भाई वाह, सही जा रहे भाई। सुनो फिर, इसका मतलब आपने मेरी झूठी तारीफ की, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको साबित ही नहीं किया जा सकता, तो भी प्रश्न अच्छा कहाँ हुआ? नहीं, साबित तत्व को किया जा सकता है, पदार्थ को किया जा सकता है, जो नीत तत्व को। प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना, एक मिनट, फिर प्रश्न अच्छा नहीं हुआ ना? नहीं, प्रश्न आपका अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। जब मैंने प्रश्न गलत किया, मैं एक ऐसी चीज को साबित करवा रहा हूँ आपसे जिसको साबित नहीं किया जा सकता, तो प्रश्न तो गलत हुआ, फिर आपने तारीफ कैसे की मेरी झूठी? नहीं, तारीफ नहीं हुआ, आप जिज्ञासु हो, आप जिज्ञासु हो, आपका प्रश्न बहुत उचित था, बिल्कुल वैलिड था। टाइम बाय करना था, को तीन चार बार उन्होंने कहा प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है, अब सोच रहे थे करूं क्या, अच्छा आ गया है, इसका उत्तर कहां से दूं? आज तो बड़े लंबे लंबे छक्के चौके लगे हैं भाई स्ट्रीम में, क्या बड़ा बड़ा गुस्सा है इनको, जैसे घर में किसी ने डांटा है। जी 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 जी, मदन मेहता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखें, वो अरे हमने इतने सारे पूछ लिए, आपने एक का जवाब नहीं दिया, आपने सिंपली पूछा कि आपने उस परमात्मा को जाना कैसे, पहचाना कैसे, अब आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हो। मेहता जी ने सवाल नहीं कर सकते, मेहता जी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया जो 1992। नहीं, मैं तो ऐसी बातों में मानता नहीं हूँ। उत्तर नहीं आ रहा है भाई, अब मैं उत्तर दे दिया ना, आप किसको उत्तर दिया? बिल्कुल सही उत्तर दिया।
मेहता जी को वो साबित करो। हर्षद मेहता से कुछ ताल्लुक तो नहीं आपका? अच्छा इनसे इनसे एक सवाल कर सकते हो मेहता भाई? वैसे तो आप प्रश्न प्रश्न जी प्रश्न आप प्यारा कह देते हैं, उत्तर नहीं आता मसला। चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई एक और ट्राई कर लेते हैं। अच्छा मेहता जी ये सारा कुछ जो है, मैंने सुनो जी, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन क्या कि आपके अंदर वो जो पुरानी मेमोरी है ना, उसको जब तक पूरा रिमूव नहीं करोगे ना ग्रंथों की पोथी पानियों की, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा ये मेहता जी मुझे ये बताइएगा, और ये कोई एक विशेष अरे भाई जी सभी का याद धीरे रखिए धीरे मेहता भाई। मेहता जी मुझे ये बताइएगा कि चारों ओर जो फैला है ये पदार्थ है प्रकृति, ऐसे ही है जी? ये कहां से आया है? क्योंकि ईश्वर तो बनाता कोई नहीं। ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसका मतलब है मैं जाके सो जाऊं, क्योंकि प्रश्न अच्छा हो गया। धन्य है महाराज आपका प्रश्न। अरे भाई अब भी सवाल कर ले एक। अच्छा हाँ जी जी, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब ये ईश्वर ने परमात्मा ने खुदा ने इस कायनात को बनाया नहीं जी, तो आप प्रश्न होता है कि फिर ये कायनात को बनाया किसने? कोई क्रिएटर तो है? बिल्कुल जी, ये तो सवाल तो कर रहे हैं आप। वाकई बहुत अहम सवाल किया, इस बात को हमारे दिमाग में नहीं आया था। तो ये जो कायनात बनी है ना, ये जगत संसार बनाया, ये बनाया परम शून्य से, एब्सोल्यूट नथिंग से बनाया सब कुछ। जबरदस्त जबरदस्त, बनाया किसने? एब्सोल्यूट नथिंग, नथिंग ने बनाया, नथिंग ने बनाया। दो चीजों में फर्क है, एब्सोल्यूट नथिंग से ही बना है, यानी जी जी सॉरी मेरा सवाल यही था कि बनाया किसने, ये नहीं कि बना किस से। मिसाल के तौर पर मेहता जी देखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ ये बॉटल है या ये मोबाइल आपके सामने पड़ा है, ये मोबाइल किसने बनाया है? आप कहेंगे सैमसंग ने, आप कहेंगे एप्पल ने, आप कहेंगे ओप्पो ने या वीवो, ये दो तीन कंपनी है। जब मैं पूछूंगा ये किससे बना है, तो आप बताएंगे मेटल है, थोड़ा सॉफ्टवेयर भी है, थोड़ा हार्डवेयर भी है, थोड़ी जो है ना वो दूसरी तीसरी चीजें चिप्स वगैरह इस्तेमाल। मगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ ये पदार्थ आया कहाँ से, यानी किसने बनाया है फिर ये? आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नथिंग से बना है, दो अलग चीजें हैं जी। एब्सोल्यूट नथिंग से ही सब कुछ बना है, मतलब जो शून्य है ना परम शून्य, उससे तत्व बने, पदार्थ बने। मेहता जी सिंपल सा सवाल, एब्सोल्यूट नथिंग से बनाया हमने मान लिया, बनाया किसने? एब्सोल्यूट नथिंग ने खुद बनाया या किसी और ने बनाया? एब्सोल्यूट नथिंग ने ही खुद नहीं बनाया, उसी का विस्तार हो रहा है। तो फिर परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ? परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग। और अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि परमात्मा क्रिएट नहीं कर सकता कुछ, तो परमात्मा तो यानी परमात्मा तो क्रिएट नहीं कर सकता लेकिन एब्सोल्यूट नथिंग कर सकता है, तो आपका परमात्मा एब्सोल्यूट नथिंग हुआ? वो परमात्मा नहीं है, यही तो सारे संसार धोखा खा रहा है। अच्छा, अब एक सवाल, अब एक और प्रश्न। अच्छा प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न। ये पहले गालिब को समझाया था, गालिब को समझाया था, वो मेरी बात को थोड़ा समझा था, और ये भाई देखा ऐसा है, अगर वो समझ गया था हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो चीज वो समझ रहा है वो हम नहीं समझ सकते। मेहता जी रहता फैल रहा है, मैं प्रश्न की तरफ आता हूँ, आप प्रश्न को फिर जी 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 मेरे साथ रुक ले, रुक जाए ना, सुन ले अगला सवाल। बोलिए बोलिए। एब्सोल्यूट नथिंग जब आप बोलते हैं परम शून्य, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए ऐसा है, जो परम शून्य है ना वो एटमलेस स्थिति होती है। अब आप मेरी बात दो मिनट सुन लेना, फिर आप बोलना, बीच में मत बोलना। परम शून्य एटमलेस स्थिति होती है। ये आप भी किया करें, ये आप भी किया करें, बीच में ना बोला करें जी, आप बोल लें। हाँ, एटमलेस स्थिति होती है परम शून्य, और एटमलेस स्थिति का मतलब होता है जहां कोई भी एटम नहीं होता, कोई भी एनर्जी नहीं होता। इसलिए जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये रूल भी गलत है, ये रूल साइंस का गलत है। एक मिनट जरा, इनको 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 बोलने दे, इनको इनको गुलशानियां करने दे, इनको गुलशानियां करने दे।
अच्छा मेरी बात मेहता जी आपका सवाल आ गया अमीर भाई, गालिब ने यही बात समझी होगी, ये रूल गलत है मुझे समझ में आ गया। जी भाई बोले बोले मेहता जी, एक मिनट रुकिएगा, मेहता जी ने बोल लिया एक मिनट, गालिब को पता है क्यों बात समझ आई है हजरत, मैं आपको बताता हूँ। मेहता जी आप जरा रुकिएगा, बीच में ना बोलिएगा, आपने खुद कहा था बीच में मत बोले, तो बीच में मत बोलिए। गालिब को ये बात या हारिस सुल्तान को ये बात पता क्यों समझ आ जाएगी कि ये जो सृष्टि है प्रकृति है ये फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉपअप हुई है, फ्रॉम एब्सोल्यूट नथिंग, क्योंकि वो लॉरेंस क्राउस क्राउसिज्म के ऊपर ईमान ले आए हुए हैं, वो दोनों लॉरेंस क्राउस की थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, दैट्स व्हाई दे एक्सेप्टेड हिज थ्योरी। सही थिंग्स के उसने जनाब बहुत बड़ी को फिलोसफी झाड़ी है जिसको उन्होंने मान लिया, वो पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के ऊपर। अच्छा अब सवाल ये है, मेहता जी बीच में ना ना बोले, बीच में नहीं बोले, रुके जरा। मेहता जी आपने एब्सोल्यूट नथिंग को परम शून्य कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ऐसा ही है बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं से कुछ होने के लिए कोई रीजन काम करती है, कोई इफेक्ट काम करता है कि कुछ भी नहीं करता, ये मुझे बताएं। कोई रीजन काम नहीं करता, कोई रीजन काम नहीं करता, ऐसे कह रहे हैं आप? अच्छा जब कोई रीजन, ठीक है, हाँ जब कोई रीजन काम नहीं करता और कुछ ना होने से कुछ होने में कोई रीजन काम नहीं करता, तो मुझे ये चीज बताएं कि हुआ ही क्यों पहली फुर्सत के अंदर, क्योंकि जब रीजन ही कोई नहीं है काम करने के लिए, तो फिर उस नथिंग को रीजन क्यों मिली काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हाँ अब आप मेरी बात सुनिए, पहले बताइए क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन में बहुत मजा है भाई। हाँ नहीं देखो आमिर भाई का क्वेश्चन कैसा था, आमिर भाई अब आप जो टैग लाइन है ना, नियोग में ही मजा है, आपके क्वेश्चन में ही मजा है। देखो जिंदगी का मजा तो क्वेश्चन में है। नहीं नहीं पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप मुफ्ती साहब है और ये जो आप पैनलिस्ट में बैठे हुए ना, यदि इस मेरे विषय को अपने जो विचार कर रहे हैं इसको आप डिबेट के रूप में यदि आप इसको लोगे ले रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आप हमेशा नहीं 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 हम डिबेट नहीं कर रहे, आप प्रश्न के उत्तर की तरफ आ जाए। मैंने गालिब को भी कहा था कि गालिब को गोली मारे, आप हमारे सामने बैठे हैं, वो तो आता कोई नहीं है, आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें, आप छोड़े उसे बताएं, उसको तो अपने नहीं सुनते, उसकी कोई वर्थ वैल्यू नहीं रही, उसको आप ऐसे मेंशन। हां एब्सोल्यूट नथिंग से ये पूरा संसार और पूरी कायनात बनी बगैर रीजनिंग के, तो एब्सोल्यूट नथिंग को क्या पड़ी थी बनाने की, हाँ ये बताइए, रीजन तो कुछ था नहीं। हाँ बिल्कुल जी, है ना, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो गया, अब उत्तर नहीं आ रहा है। हां उत्तर बता रहा हूं ना, आप समझेंगे ना, आप क्या है कि जो पुराने टाइम बाय कर रहा है, साफ पता चल रहा है टाइम बाय कर रहा है। अब आप ऐसा सोचोगे तो फिर मैं बताना बेकार है, आप तुम बताए ना भाई, बता रहा हूँ बता नहीं रहे हो। हाँ सुनो, जिस भी व्यवस्था का कॉज एंड इफेक्ट होता है, उस कॉज को खत्म होने के बाद में वो व्यवस्था खत्म हो जाती है ना, जिसका कोई कारण होगा ना, उद्देश्य होगा, यदि वो उद्देश्य पता चल गया तो वो फिर व्यवस्था भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो ये कायनात है, ये सृष्टि है, ये अकारणीय है, इसका कोई काज नहीं है, तो ये सृष्टि हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म हो जाएगी, ये हमेशा रहेगी। सवाल ये किया है कि नथिंग एब्सोल्यूट नथिंग को बगैर किसी रीजन के इतनी सारी थिंग्स बनाने की क्या पड़ी थी, रीजन तो कुछ था नहीं, इनको पता नहीं चल रहा, इन्होंने एक और ब्लंडर बात में मार दी है, आप मेरा भाई उत्तर उसका दे दें, आपने जो अभी ब्लंडर मारा है ना कि इसका विनाश नहीं होगा, ये खुद शुरुआत के ऊपर एतराज उठा देता है। सही ठीक है ना, ये तो टॉपिक दूसरा हो गया, अभी हम विनाश की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं शुरुआत की, नथिंग एब्सोल्यूट नथिंगनेस को क्या पड़ी थी, रीजन तो था नहीं उसके पास, एब्सोल्यूट नथिंगनेस ही मतलब उसमें क्या होता है कि उससे भी नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी निकलती है। इसके पास जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं, बन नहीं पा रहा, या तो ये बोलेगा कोई रीजन, एक मिनट जरा सुनिएगा मैं तो सुनिएगा ये सवाल आपके लिए कैच 22 है, उसकी वजह ये है कि अगर आप कहें कि कोई रीजन थी, तो फिर आपको ये बताना, आपने अपने आप को तोड़ देंगे कि कोई रीजन नहीं होती,
जब अगर आप कहें कि कोई रीजन नहीं थी तो फिर वजूद की भी कोई रीजन नहीं थी, उसके एग्जिस्ट करने की कोई रीजन भी सामने नहीं आती। यानी ये एक ऐसा कैच 22 है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए प्रश्न बड़ा अच्छा था जी। हाँ तो जिसका कॉज नहीं होता ना, वो सिस्टम अकरा नहीं होता है। जिसका कॉज नहीं होता वो क्या होता है? जिसका कॉज नहीं होता ना, कॉज एंड इफेक्ट रूल नहीं होता ना, वो अकरा नहीं होती है, वो व्यवस्था अकरा नहीं है। मेरी बात सुने, पहले तो पहले एक मिनट, आप जो कह रहे हैं कि जिसका कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, जब आपसे पूछा ये प्रकृति कहां से आई, आपने खुद उसका कॉज बताया, एब्सोल्यूट नथिंग। बिल्कुल कमाल करते हो यार, एब्सोल्यूट नथिंग ही कॉज है और उसका इफेक्ट है प्रकृति। अब आप कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, इसका भी है, इसलिए समझते हैं ये प्रकृति प्रकृति का कोई कारण नहीं है, ये अकारण है। ओ भाई कारण, मेरे बाप अजीब, कारण किसे कहते हैं? इसका मतलब है आपको पता नहीं फिर इफेक्ट कहते किसे हैं? मुझे सब पता है, जब मैं पहचाना सब पता। टेक केयर, टाइम खा गए आप, ठीक है। चले भाई सही है, बहुत टाइम हो गया आज तो, शुरू से लेकर आखिर तक के जबरदस्त कॉमेडी शो रहा है। तो अभी तो आप इस तरह से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो जबरदस्त स्ट्रीम रही वैसे, चूंकि मैं 2 घंटे के लिए ही आया था और 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और मैं चूंकि सफर में हूं तो मुझे निकलना है अब दोबारा, तो इसलिए इजाजत लूंगा। लेकिन आज की जो स्ट्रीम है वो रही बड़ी जबरदस्त, और मैं समझता हूँ कि एक एक जो इसकी क्लिप है वो बड़ी सुपर हिट जाने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अली रजा भाई, आमिर भाई, मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हास साहब, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आप हजरात ने शुरू से साथ दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अपने वक्त के ऊपर जो ओरिजिनल टाइम है उस पर इंशाल्लाह, माशाल्लाह शुगर है, शुगर है, ठीक है। चलिए सही है, बहुत शुक्रिया।